क्लियर विन टुडे अगेन एज वेल फॉर टीम मेगास्टार्स, बट स्लेयर ने वहां पे ओवेस को नॉक कर दिया। अभी देखते हैं फ्रैंकी क्या यहां पे कैपिटलाइज कर पाएंगे, क्या यहां पे कुछ अच्छे ट्रेड फायर नॉक्स निकाल पाएंगे, बट टीम आईएनटी के लिए दिक्कत होने वाला है क्योंकि हाई ग्राउंड उनको पुश करना पड़ेगा और टीम फनाटिक के फ्रैंकी इनको पुश करने दे नहीं रहे। क्रैथोस को यहां पे यू नो वापसी नेड्स फेंकने पड़ेंगे, बट स्नैक्स ने वहां पे एश को नॉक कर दिया। फनाटिक के एश जो नॉक पड़े, फ्रैंकी जा रहे उनके तरफ, स्नैक्स के साथ फाइट होने वाला है। यहां पे स्नैक्स फर्स्ट एड लगा रहे हैं, बट यहां पे स्नैक्स को काफी ज्यादा डाउन करती है एंड डैमेज बढ़ता हुआ पीछे से यहाँ पे मेगास्टार्स के पैराडॉक्स यहाँ पे स्नैक्स को फिनिश ऑफ करते हुए एंड टीम आईएनटी काइंड ऑफ गेटिंग सैंडविच बिटवीन टीम मेगास्टार्स एंड टीम यू नो फनाटिक और इसी के साथ टीम आईएनटी गेम से बाहर होती हुई। बट मेगास्टार्स के वैक्सी यहाँ पे ओवेस को स्पॉट आउट करते हुए, ओवेस का बेहतरीन नॉक आता हुआ ऑनकोर की तरफ एंड यहाँ पे दूसरा स्प्रे भी देंगे और वैक्सी को भी नॉक कर देंगे एंड टीम एसजीई भी अभी बची। आई थिंक एसजी को उस चीज का अंदाजा हो चुका है, दो प्लेयर्स यहाँ पे टीम मेगास्टार्स के नॉकआउट हो चुके हैं। वीएससी क्रॉलर्स की पूरी स्क्वाड अभी भी बची है। जॉनी आई टेक माई वर्ड्स बैक, तो अभी भी कॉम्पिटिशन जो है वो भी ऑन है एंड दिस इज द फोर्थ स्क्वाड, अभी तक चुप रही है, ज्यादा किल्स नहीं लिए। ओवेस का और एक बेहतरीन नॉक आता हुआ वैक्सी की तरफ, फिर से अभी जस्ट रिवाइव हुए तो और इसी के साथ टीम फनाटिक के प्लेयर्स यहाँ पे पुश देते हुए पैराडॉक्स को स्पॉट आउट करेंगे। फ्रैंकी का बहुत ही उम्दा नॉक देखने को मिल रहा है यहाँ पे, स्वैग ने बहुत ही बेहतरीन काउंटर नॉक ट्रेड फायर लिया। अभी एश और रॉनअप पुशिंग करते हुए अलॉन्ग साइड ओवेस यहाँ पे ऑनकोर को भी फिनिश ऑफ करने की कोशिश पूरी की पूरी जारी है। ऑनकोर हाउएवर लास्ट मैन सर्वाइविंग है, बट दो नॉक्स इन्होंने प्यारे तरीके से निकाले, स्वैग को भी स्पॉट आउट करेंगे एंड ओवेस ने यहाँ पे आई थिंक स्वैग को भी नॉक कर दिया। टीम मेगास्टार्स आई गेस इसी के साथ एलिमिनेट तो अभी भी नहीं हुए क्योंकि एक प्लेयर आई थिंक अभी भी उनके बचे हैं। तो दिस फाइट इज गोइंग एब्सोल्युटली क्रेजी जॉनी। Yes, this is absolutely insane. और खासतौर से ये देखिए Fnatic का परफॉर्मेंस, 11 प्लेयर्स अभी भी इस गेम में, उनके पास 14 किल्स हो चुके हैं, ओवेस के पास 6 किल्स है, बट ओवेस यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज लेते हुए मेगा की तरफ से ड्रॉप्स डाउन टू 50% एज एश ऑलरेडी नॉकडाउन हो चुके हैं, तो रिवाइव के लिए अपने टीममेट के पास आ रहे हैं, बट ओवेस को यहाँ से अपनी टीम के लिए निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर Fnatic ये चिकन डिनर ले जाती है तो इनके लिए एक बहुत बड़ा मोराल बूस्ट होगा जब ये कल वापस दोबारा से अगली बार खेलने आएंगे। बट अभी के लिए VSG क्रॉलर्स ये भी बहुत ज्यादा धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्योंकि जैसा अगर हम पहले की बात करें, डिफरेंस याद है आप लोगों को, 5 पॉइंट्स का डिफरेंस था फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच में, VSG क्रॉलर्स सेकंड पोजीशन पे थी, तो अगर ये गेम इनके फेवर में जाता है काफी अच्छे तरीके से तो दैट इज गोना मीन दे एंड अप गेटिंग द चिकन डिनर। बट फर्स्ट पोजीशन वाली टीम भी अभी भी इस गेम के अंदर जिंदा है, मेगा के दो प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो जो प्राइस पूल की जो फाइट थी पहले जितना क्लोज थी वो इस गेम के एंड में और भी ज्यादा क्लोज आ चुकी है एंड हु इज गोना गेट दोस पॉइंट्स, आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। डाउन टू टॉप 4 10 टीम स्टिल अलाइव, मेगा के दो प्लेयर्स है, वीएससी के हमारे पास 3 प्लेयर्स है, सिनर्जी के हमारे पास 3 प्लेयर्स है और फनाटिक के प्लेयर्स भी काफी ओपन एरिया में प्रोन हो चुके हैं, तो अब आई थिंक पेस थोड़ा सा कंट्रोल होगी। बट मैंने बहुत ज्यादा जल्दी बोल दिया क्योंकि एनकोर को हम देख सकते हैं वो प्रोन होके क्रॉल करके फनाटिक के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दो और किल्स अपने निकाले। मेगा की पूरी स्क्वाड के पास टीम किल्स देखिए 11 टीम किल्स हैं इनके पास और ऑनकोर अगर ये दो किल्स निकाल लेते हैं तो टॉप 3 के पॉइंट्स इनके पास आ जाएंगे और प्लस इनके पास वो 13 पॉइंट्स एक्स्ट्रा और होंगे एंड दैट इज गोना मीन कि गैप बढ़ते रहेगा इनके बीच में एंड फर्स्ट पोजीशन का जो $700 का प्राइस मनी है वो ही अपने लिए सिक्योर कर लेंगे। स्वैग भी पहुंच चुके हैं, फनाटिक अगर और ऊपर आती है तो वो एक प्लेयर को स्पॉट कर लेंगे एंड आई थिंक दिस इज गोना बी दैट मोमेंट एंड बीएसजी ऑन द अदर साइड वहां पे सिनर्जी उन पे एंगेज कर देते बट इंस्टेंटली श्राइडर ट्रेड ऑफ हो जाते, ऑस्टिन को भी वहां पे सीजी बाहर निकाल देते और सिनर्जी बस एक प्लेयर अब बचे हैं यहाँ पे, टेड बचे हुए होंगे सिनर्जी की साइड से क्योंकि प्लेयर्स को फिनिश ऑफ किया जा रहा है। बीएसजी के पास 5 किल्स है इस टाइम पे, एक ही प्लेयर नॉक हुआ है ईवो, सीजी और अभी भी बचे हैं इस गेम के अंदर और अभी भी फिनिश के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 प्लेयर्स स्टिल अलाइव इन दिस गेम और जैसा मैंने कहा था कि पेस थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया गया है गेम का, सब लोग अप ग्राउंड हाई ग्राउंड पे मूव होने की कोशिश कर रहे हैं। एनकोर को यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया जाएगा मेगा की साइड से और जैसे ही एसजी के टेड ने वो शॉट लिया था उनकी पोजीशन रिवील हो गई थी, क्रॉल ने उसका फायदा उठाया, उनको बाहर निकाला, एक एक्स्ट्रा किल कंफर्म, मेगा एनकोर बीइंग टेकन आउट, बीएचजी के ईवो को वहां पे ओवेस बाहर निकालेंगे, ओवेस एक और किल निकालते हैं, अभी को भी नॉक कर देते हैं, फनाटिक ओवेस दिस मैन इज ऑन फायर राइट नाउ, फिनिश हो जाएगा वहां पे, 2 टीम्स रिमेनिंग, 3 प्लेयर अलाइव, फनाटिक के पास मैन एडवांटेज, आश नॉक डाउन जाएंगे, ओवेस अभी भी बचे हैं, सीजी के अगेंस्ट 1v1 सिचुएशन, दोनों प्लेयर्स प्रोन हो चुके हैं, इट्स गोना बी एन उजी वर्सेस अ डीपी, हु इज गोना कम आउट ऑन टॉप।
आई कैन नॉट से ऑनेस्टली, मतलब जिस हिसाब से ये दोनों टीम्स खेल रही है और जिस हिसाब से यहाँ पे फनाटिक की स्क्वाड खेल रही है और पर्टिकुलर इंडिविजुअली यहाँ पे ओवेस का जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है, दैट इज रियली कमेंडेबल. मतलब प्रेशर के अंडर आईजीएल का इतना अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि पूरा जो इतने अब तक जो 18 किल्स यहाँ पे निकाले, 8 किल्स आप देख सकते हो यहाँ पे ओवेस के अकेले हैं. एंड लिटरली एवरी किल एवरी फाइट में यहाँ पे ओवेस का यू नो कुछ ना कुछ रोल रहा है. इनफैक्ट लास्ट जो फाइट टीम मेगास्टार्स के अगेंस्ट था, और इसी के साथ ओवेस ने सीजी को भी फिनिश कर दिया और टीम फनाटिक बहुत ही बेहतरीन चिकन डिनर लेके 90 yes. If I'm not wrong, I mean that is out of this world. So guys, you have to give it up for team Fnatic and ओवेस कुकी इन द चैट को बनता ही है जॉनी. एंड आई एम ऑल्सो क्यूरियस, बीएससी क्रॉलर सेकेंड आई.